मुझे भी रोना आ गया। हमने उन्हें वो गिफ्ट वापस कर दिया। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है सादिम का डांस कंपटीशन का ऑडिशन। ये डांस कंपटीशन है जीसीसी इंटरनेशनल स्कूल मीरा रोड में। तो आज है ऑडिशन रोल और मैं जा रहा हूँ डांस परफॉर्मेंस करने। तो देखते हैं मैं सेलेक्ट होता हूँ कि नहीं होता हूँ, क्योंकि अभी मुझे फाइनल में भी जाना है। तो चलो चलते हैं। ये भी आ गया साथ में। हाँ, अवनीश। अवनीश का भी ऑडिशन होगा, सादिम का भी होगा। हाँ, सादिम का। हाँ, अभी कभी फाइनल में भी मजा आना है ना। जिसको नाचना नहीं आता उसको भी नचाएंगे। तो आज है जीसीसी इंटरनेशनल स्कूल का डांस कंपटीशन का फाइनल डे। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने नी पैड भी पहन लिया। तो चलो चलते हैं डांस करने, धमाल करेंगे। हाँ, और फर्स्ट प्राइज लाएंगे। ये मैंने, और आप नहीं कर रहे हो डांस, मैं कर रहा हूँ, आप सब देखोगे। हाँ, हम लोग दर्शक रहेंगे। हाँ, मारियो। हाँ, में दर्शक। हाँ, एक एक नंबर वाले अपने अपने सिरे बैठेंगे ना। तो मेरा फाइनली बन चुका है। दिखा सही से। ये एक नंबर। और अब मारिया का नंबर आ गया है। अब मारिया का बनने जा रहा है। क्या बनवाएगी तू? सेंटा भी बनवाएगी। वाह, सादिम को दिखा। अभी तेरा सेंट तो छोटा है सादिम, तेरा इसका बड़ा। हाँ, ये लड़ाई हो रही है अभी। देखो ये क्या करने वाला है? ना क्या करने वाला? डांस। कौन सा डांस? कौन सा? ये हमारी किरदार। ये एक नंबर। ये हमारा नया दोस्त है। हाँ। और योर नेम? और योर नेम? अजवेर। अजवेर, उसका नाम अजवेर है। सादिम का ये दोस्त है। या फिर हमें 10 मिनट का ब्रेक देके ले जाया गया सेकंड फ्लोर पे, और फाइनली हमें मिल गया सांता क्लॉज। पे सेंटा क्लॉज के साथ साथ प्ले जोन भी था। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी, और फिर हम आ गए नीचे, और हमारे साथ सेंटा क्लॉज भी नीचे आ गया। सेंटा,
की पापा को डांस कर रहा है ये सब पे रेडी फिर नहीं आता क्या देखो अभी देखना पड़ेगा तो मेरा परफॉर्मेंस हो गया और अभी मेरे दोस्त का गाइस इस चश्मे में मैं कैसा दिखता हूँ आप लोग प्लीज कमेंट में बताओ यहाँ पे मैं जब से आया हूँ सब लोग सिर्फ मेरी शक्ल देख रहे हैं एकदम गौर से शक्ल देखते हैं कि आदमी का शक्ल मुँह टेढ़ा टेढ़ा क्यों है सब देख रहे हैं बहुत लोग तो देखते रहते हैं नजर हटती नहीं क्या बताओ सब पापा को से दिखते हो माय गॉड और लोग हंसते भी है गॉड कितना अच्छा और लोग हंसते भी रहते हैं लेकिन बोलते रहकर फिर उसका मुंह कैसा ऐसा बोलते हैं मेरे को मालूम पड़ जाता है इनको मिला थर्ड प्राइज और इनको सेकंड प्राइज और ये दो जन को मिला फर्स्ट प्राइज ये इनके ही स्कूल के बच्चे हैं स्पेशल गिफ्ट दिया गया दूसरे स्कूल के बच्चों को जिसमें मैं भी हूँ सो गाइस हम घर आ चुके हैं और जीसीएस इंटरनेशनल स्कूल वालों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट की फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज अपने स्कूल वाले बच्चों को दिया और अलग से एक टॉप 5 का सेक्शन बना दिया कि टॉप 5 होता क्या है जिसमें सादिम और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल वाले बच्चों को इन्होंने गिफ्ट दिया हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सादिम के टक्कर में कोई डांसर था नहीं अगर कोई डांसर होता जो अच्छा करता तो अगर उसको देते प्राइस तो हम खुश भी होते पर जब वहाँ पे कोई था नहीं तो इन्होंने पार्शियलिटी की क्यों तो जो सादिम को गिफ्ट मिला था हमने उन्हें वो गिफ्ट वापस कर दिया क्योंकि हम ऐसा गिफ्ट चाहिए नहीं और जब उन्होंने पूछा कि आप ये गिफ्ट वापस क्यों कर रहे हो तो पापा ने उन्हें बोल दिया कि जब दूसरे स्कूल वाले बच्चों को जिताना ही नहीं है अपने स्कूल वाले बच्चों को जब जिताना है तो दूसरे स्कूल वाले बच्चों को बुला क्यों रहे हो वो GCC इंटरनेशनल स्कूल है या कोई और स्कूल जब खुद के बच्चों को जिताना है तो दूसरे स्कूल के बच्चों को क्यों बुलाते हो बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिख के ओपन फॉर ऑल ऐसा मत करो तो GCC इंटरनेशनल स्कूल वालों का ये बिहेवियर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसलिए हम फिर उन्हें गिफ्ट दे के घर आ गए तो सादिम को ट्रॉफी नहीं मिली इसलिए ये बहुत सैड है तो गाइस मैं भी थोड़ा सैड हो गई क्योंकि सादिम को ट्रॉफी नहीं मिली तो मुझे भी रोना आ गया तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताइए थैंक यू बाय